नमस्कार दोस्तों, ये एक फीमेल पाम है। इनके हस्बैंड ने ये पाम भेजा है। इनकी एज 33 या 34 है। इनको आइडिया नहीं है कि क्या एज है। इनका सवाल है, अभी सब कुछ अच्छा है जीवन में, आने वाला जीवन खुशहाल रहेगा, 100% खुशहाल रहेगा, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑफशूट है और शुभ साइने भी इस हाथ में है। हाँ, धन रेखा चाहिए वैसी नहीं है, तो पैसा खर्च भरपूर होता होगा आपको, पर पैसा कहीं से भी आ जाता होगा। हाँ, एक सर्टन एज के बाद धन रेखा भी अच्छी होते हुए दिख रही है, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पाम को एक एक करके हम आगे बढ़ते। हाँ, चाहिए वैसी क्वालिटी नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, पर इनके साथ इतनी मीठी जबान है इनके हस्बैंड की कि मैं इनकार नहीं कर पाया। और मैं ये एनालिसिस कर रहा, और काफ़ी हद तक ओके है, कोई ऐसा तकलीफ वाला काम नहीं है। जो देखना है मेजर चीज़ें, वो सारी दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा बने, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये हाउसवाइफ है, पर जब ये लाइन सीधी होती है तो हाउसवाइफ को भी हेल्प करती है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका पालन पोषण, ये लोग समझदार होते हैं और बहुत अच्छी तरह से उन संतानों के लालन पालन होते हैं, ये भी देखा गया है, और परिवार को भी व्यवस्थित चलाकर लेकर चलते हैं। यह पाम स्क्वेरिश है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज दिख नहीं रहा है, सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, प्लस मांसल भी है, तो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने वाला भी होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और ये उंगली देखिए, यहाँ ही संकेत दिख रहे हैं धार्मिकता के, ये उंगली पर रेड रेड दिख रहा है। ये उंगली का बैंड होना, यानी आंख मूंद के किसी को भी बोल दो, व्यक्ति धार्मिक होता है। ये उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, कैसा भी समय जाता हो जीवन का आनंद जरूर लेता है, ये इनकी खासियत होती है। अब मैंने एक दो वीडियो में ये चीज़ बोली भी है, आनंद के सबके अपने अपने रूप है। कोई ईश्वर की भक्ति कर कर भी आनंद उठाता है, कोई स्पोर्ट्स खेल कर आनंद उठाता है, अलग अलग सब्जेक्ट है जिसका जिसमें इंटरेस्ट। कोई पढ़ाई करके आनंद ले लेगा, बुक्स पढ़ के आनंद ले लेगा, पर लेता जरूर है आनंद, और हिम्मती स्वभाव भी होता है इनका। ये उंगली थोड़ी सी हटके है, ऐसे लोगों के विचार कंप्लीट अलग होते हैं। आप और हम जिस तरह से सोचते वैसा ये लोग नहीं सोचते, बहुत डिफरेंट सोचने वाले लोग होते हैं, आपसे हमसे कभी मैच नहीं होगा, और बहुत बार तो ऐसी अलग बात बता देते हम आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा अलग सोच कैसे सकता है। और यहां अगर तिल होगा तो व्यक्ति नाम खराब करता है, यानी कोई और के कारण हमारे जीवन में नाम खराब होता है। तो यह अगर तिल होगा तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये उंगली फर्स्ट पहले तक नहीं पहुंचती, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमजोर होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। अभी इनके हस्बैंड का कहना ऐसा है कि मैंने इतनी मेहनत तो जीवन में कभी नहीं की, आप जो फोटोग्राफ मांगते हो उसमें, तो मैंने भी हथियार डाल दिए, ठीक है, जो अवेलेबिलिटी है भेजिए। और इतनी मीठी जवान है कि दिल को एकदम अंदर तक चली जाती, इतने मीठे स्वर है इनके हस्बैंड के, अच्छा लगता है बात करना, अच्छा लगता है। कंटिन्यू लाइन है, ऐसे लोग दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, और बुध पर्वत भी अच्छा है, सुंदरता भी मिलती है, जबान भी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी होता है। अब ये गृहिणी है तो ये बेनिफिट इनके हस्बैंड को ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर कोई यश साइन तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इनके हाथ में
एक ये मेहंदी लगा हुआ पाम है, पर एक दो जगह पर फिश आई ने जरूर है और एक जगह पर संकेत है। एक यहां पर है, एक यहां पर है, दो और एक ये भी लग रही है। बहुत बड़ी तो नहीं है पर इतनी भी काफी मायने रखती है। तो तीन तीन फिश साइन है इसी जगह पर है, तो यही साइन है, इनको पैसा देती है और बाकी के ऑफशूट भी भरपूर है। वापस उसी इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, ये भी खासियत होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये पार्ट थोड़ा सा भी उभार होना यानी सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, पर एक बार व्यक्ति बेड से उतर जाता है उसके बाद एक्टिव रहता है। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा व्यक्ति को चार लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। अब इनके हाथ में शुभ साइन है तो नेचुरल है इनके हस्बैंड को इनको बेनिफिट मिली है, प्लस पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ और जो भी कार्य करते हैं व्यक्ति बड़े स्तर का करते हैं, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है और बुढ़ापे में तो काफ़ी अच्छी है, मैं जब फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से बताऊँगा। तो बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा आएगा इनके पास। इनका जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, ये जब जुपिटर माउंट इस तरह का हो तो पारिवारिक समस्या रहती है। अब किस्सा ऐसा, एक डेढ़ साल पहले इनके हस्बैंड ने पाम एनालिसिस करवाया था। अब दवा यानी उपाय मैंने हस्बैंड को दिए थे, इन्होंने खुद ने भी वो उपाय किए और पत्नी को भी वो उपाय करवाया। आज दोनों खुशहाल है, दोनों के मतभेद निकल चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से साथ में रह रहे। भगवान करे इसी तरह जीवन भर आप साथ रहो। यानी दवाई दी हस्बैंड को, वो दवाई खुद भी खाई और पत्नी को भी खिला दी, तो दोनों रिलैक्स हो गए। इतना फर्क पड़ता है ये जुपिटर माउंट खराब होने पर, तो ये अच्छा काम ही हो गया, नहीं तो अभी दवाई खिलानी पड़ती। तो अब मैटर सॉल्व हो चुका है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को प्राप्त होती है। अंदरूनी मंगल काफी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफी अच्छी पाई जाती है। और साथ में बाहरी मंगल भी ज्यादा अच्छा है। जब इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव का होता है, संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है। इनका चंद्र पर्वत अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा पर फिर भी अच्छा है, तो अच्छे परचेसर होता है व्यक्ति, विदेश से संबंध आता है, घूमने जाएंगे ये विदेश में 100%। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है और अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में है। और ये जो स्क्वायर कंप्लीट होगा, 99% ये स्क्वायर कंप्लीट है, तो ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, इनको झूठ पसंद नहीं आता। कोई भी व्यक्ति झूठा बोलेगा तो ये लोगों को गुस्सा आता है, सहन नहीं कर पाते। और मनी ट्रायंगल भी है जो फिश साइन वालों को न भी हो तो चले, पर ओपन है, दो चार जगह से, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो खर्च का पैमाना रहेगा पर फिर भी बुढ़ापे तक अच्छा खासा जमा कर लेंगे ये।
शुक्र पर्वत भी एकदम व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, लग्जरी वाली लाइनें भी है। और जब शुक्र अच्छा होता है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन ऑलवेज अच्छा रखता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा थोड़ी सी मुड़ रही है यहाँ पर, ये व्यक्ति को गुस्सेल बनाती है, यानी शुरुआती जीवन इनका गुस्सा वाला रहा होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, अब तो नॉर्मल हो गए होंगे, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। प्लस शनि क्षेत्र से निकल रही है तो कामुक भावना और कभी कभी फिजिकल यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो झंझटों भरा जीवन तो रहेगा ही इनका, खुद का जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाता, कोई ना कोई झंझटें जीवन में लगी रहती है, आपाधापी लगी रहती है। ये जब माइंड लाइन दोनों के बीच में से गैप से निकलती है तो ऐसे लोग जिद्दी भी भरपूर होते, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, उस व्यक्ति की जरूरत पूरी हो गई तो वहां से निकल जाएंगे। और ये पूरी यहां से निकल रही है, ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, और ये जो फोर्क बन रहा है ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा शार्प बनाता है, तो महत्वाकांक्षी भी होंगे और शार्पनेस भी देती है। अब हाउसवाइफ है फिर भी लक्षण तो उनमें पाए जाते ही है, ये सारे बहुत शार्प माइंड के होंगे ये। बाकी माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा, केवल एक जगह पर अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो ये जगह होगी इनकी जीवन की 32 से आसपास से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा जीवन इनका दबाव में रहेगा अप टू 35-36 तक, क्योंकि ये डबल पैरेलल जब लाइन चलती है तो दबाव रहता ही है। 31 से लेकर 36 तक समझ लीजिए अंदाजित प्रेशर में रहेगा जीवन, कोई ना कोई छोटा मोटा प्रेशर, बाकी माइंड लाइन अच्छी है। इनकी जीवन रेखा पर मैं पहले ऑफशूट दिखा दूँ आप लोगों को एक फोटोग्राफ में, ये देखिए कंटिन्यू ऑफशूट है अप टू यहां तक है एंड तक, और उसके बाद धन रेखा काफी अच्छी है तो पैसा आता रहेगा, तो ये ऑफशूट की बेनिफिट है। अब इनकी राहु रेखा जब आएगी तो कोई ना कोई तकलीफ इनके जीवन में आएगी, एक मेरे हिसाब से 26 के आसपास राहु रेखाएं दिख रही, 26-27 के आसपास, एक 32 के आसपास है, एक 35 के आसपास है और एक 37। ये जब राहु रेखा आएगी तो जीवन में कोई ना कोई तकलीफें आएगी, ये एक्सेप्ट करके चलिए आप। पर मनी ट्रायंगल भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, पर ये नेगेटिव फीलिंग तो देगी। और ये जब भी आएगी आपके मतभेद, महिलाओं के हाथ में राहु रेखाएं जब होती है तो बच्चों का और पति का आ जाता है, यानी पति पर उसका कष्ट आता है। कैसे आता है मैं बताता हूँ, ये नेगेटिव फीलिंग देती है, पुरुष बाहर अपनी नेगेटिविटी निकालता है, महिलाएं बाहर नहीं निकालती, वो हमारे उनके जो बच्चे होते हैं और उनके जो हस्बैंड होते हैं उस पर नेगेटिविटी निकालते हैं, उस समय घर के बर्तन बचते हैं। तो ये जब भी राहु रेखा आएगी आप मानसिक रूप से तैयार रहना, आपको मतभेद होंगे होंगे और होंगे, और राहु रेखा आती है तो कोई ना कोई कष्ट आता जरूर है जीवन में। तो ये जब भी राहु, बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, 41 तक राहु रेखाएं आपके हाथ में है, इससे ज़्यादा राहु रेखाएं है नहीं, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी काफ़ी क्लीन जीवन रेखा दिख रही है। अब देखिए इंक लगे हुए पाम में भी इनकी धन रेखा स्पष्ट दिख रही है, जब इस तरह की धन रेखा में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है पैसा बच नहीं रहा है, आता है खर्च हो जाता है पर वापस आ जाता है पैसा, तो इसी तरह की धन रेखा
चल रही है। अब इनके धन रेखा का काफी अच्छा फोटो है, उस पर चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये धन रेखा एक्सपेंसिव है, यानी 48-49 तक ये धन रेखा एक्सपेंसिव है, यानी पैसा आएगा, अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। पर ये ऑफशूट कोई ना कोई वस्तुएं दिलाते जाएंगे, यानी एसेट भी जमा होते रहेगा, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन सी धन रेखा इनको ज़्यादा पैसा देगी? एक ये धन रेखा निकल रही है, ये लगभग 42 के आसपास कोई ना कोई 40 या 42 के आसपास नया काम चालू होगा, वो सेट होते होते 46 से ये लाइन बहुत पैसा देगी। एक ये और लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट में पैसा देगी और उस पर कट लग रहा है, ये रेंटेड इनकम भी गिन सकते इसको। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे और बढ़ती जाएगी और यहाँ पर इस पर खर्च लगेगा एक 43 के आसपास कट लग रहा है। और एक और धन रेखा निकलेगी, ये भी लगभग 46 के आसपास से या 45 के आसपास से निकलेगी, ये भी धन रेखा इनको ग्रोथ देगी। यहाँ से फिर इनको ग्रोथ चालू होगा। हाँ, ये जो वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं इसमें ऑलवेज 48 तक खर्च रहेगा और हो सकता है ये बाद में बिजनेस बंद भी कर दे, जो अभी कर रहे हैं 48 के आसपास, और क्योंकि दूसरा बिजनेस चल जाएगा तो उससे ये काफ़ी उन्नति करेंगे अप टू बुढ़ापे तक। 45-46 के बाद तो ग्रोथ इनके जीवन में भरपूर लिखी हुई है, यानी अभी जो कमा रहे उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। बाकी मैं इसको इनको उपाय दे दूंगा, वो करते रहिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।